शादी सिर्फ एक नए रिश्ते की शुरुआत नहीं होती, एक नए जीवन की भी शुरुआत होती है, दो लोगों के जीवन की, जहां पर दो लोग एक दूसरे के साथ में कसमें खाते हैं, कभी साथ ना छोड़ने के वादे करते हैं। क्या हो जब पहली ही रात को आपका पार्टनर आपको ये बता दे कि कसमें झूठी हैं, वो आपको पसंद ही नहीं करता, उसका दिल किसी और के पास है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? उस इंसान के साथ में उस रिश्ते को निभाया जाए क्योंकि आपने साथ फेरे लिए हैं, या फिर छोड़ दिया जाए क्योंकि उसने धोखा दिया है? क्या करें और कैसे रिएक्ट करें, आज करेंगे इसी बारे में। वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अक्सर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जब आप शादी करते हैं ना, तो आपका जो पार्टनर है वो आपको बताता है, खास करके जो वाइफ है वो आपको बताती है कि वो आपको प्यार ही नहीं करती, वो किसी और को प्यार करती है, शादी उसकी मजबूरी थी। अब शादी से पहले पता चलता तो आप छोड़ देते, रिश्ता खत्म कर देते, शादी नहीं करते, वो सिंपल था। बट शादी होने के बाद क्या करा जाए, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ में रहना बहुत मुश्किल है जो आपको प्यार ही ना करता, और छोड़ना भी इजी नहीं है क्योंकि आपने शादी की है, बहुत लोगों के सामने आपने साथ फेरे लिए हैं, उस इंसान को अपनाया है, बेइज्जती होती है उस इंसान को छोड़ने पर, खुद की बेइज्जती होती है, लोग चार बातें करते हैं, तो आप नहीं छोड़ सकते, और ये जो सिचुएशंस है बहुत खराब हो जाती है। ऐसे में देखिए, मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले तो क्योंकि शादी हो चुकी है और शादी कोई मजाक नहीं, अगर आप अपनी वाइफ को, जिसने अभी अभी बताया है आपको, पहली रात को ये बता दिया है कि उसका आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो आपको प्यार नहीं करती, अगर आप अगले ही दिन उसको छोड़ दें, तो भी अब आपके ऊपर उसके ऊपर मैरिड का तो टैग लग चुका है, ये चीजें अब बदलने वाली नहीं है। सो अगले ही दिन छोड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरा ये हो सकता है कि आप उसको धमकाएं, डराएं, मारे, पीटे, घर छोड़ाए गुस्से में, लेकिन इससे क्या होगा, जो आप से आज खुलकर बोल चुकी है कि जो आपको प्यार नहीं करती, वो कल डर की वजह से जुबान बंद करके खौफ में बोलेगी आई लव यू, तो ऐसे प्यार की क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं। बट मैं ये नहीं कह रही कि आपके साथ में गलत नहीं हुआ, बहुत गलत किया उसने आपके साथ, अगर प्यार नहीं करती थी तो शादी नहीं करनी चाहिए थी, छोड़ देना चाहिए था, शादी से पहले बताना चाहिए था, ये सारी गलती उसकी है। बट अब गलती तो हो गई ना, इस गलती को कैसे सुधारा जाए, क्योंकि अब ये गलती सिर्फ उसकी नहीं है, अब ये बात आ गई है आप पर, और ये रिश्ता अब एक का नहीं बचा, दो का हो गया। इसलिए कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूँ जो आपको करनी है, ये मैं लड़की के फेवर में बात नहीं कर रही हूँ, इस चीज को ध्यान रखिए, ये आपके फेवर में है, क्योंकि उसको छोड़ने से आपकी भी बेइज्जती होगी, उसकी तो होगी ही होगी। So, आप दोनों के लिए क्या बेहतर है, सबसे पहले तो जो चीजें उसने कह दी हैं उस पर ज्यादा डिस्कशन मत कीजिए, उन चीजों को उस टाइम पर छोड़ दीजिए, साइड कर दीजिए, बिकॉज यू नेवर नो कि अपने मायके से जब वो आई है, किस सिचुएशन पे आई है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, अभी उस इंसान को आप नहीं जानते, सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, कुछ चल रहा है, कोई गुस्सा है, क्या है, यू हैव नो आइडिया। तो उस बात को उस वक्त बढ़ाए ना, बिल्कुल इग्नोर कर दे, और कुछ दिन ज्यादा इंटरेस्ट उसमें ना लें, ज्यादा बातें उससे ना करें, ना तो कोई धमकी दें, ना तो कोई प्यार दिखाएं, ना ही ज्यादा मिसबिहेव करें, ऐसे रहें कि आप उसको नहीं जानते एक रूम में, और सबके सामने ठीक ठाक से रहें, उसको ये एहसास करवा दें कि हाँ आपको इस चीज का बहुत फर्क पड़ा है, पढ़ा भी होगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, उसको भी दिखा दे। कुछ दिनों में ना आपका ऐसा एटीट्यूड देखकर कि आप उसके साथ में आते भी नहीं है, अलग सोते हैं, उससे ज्यादा बात नहीं करते, सोफे पे चले जाते हैं सोने के लिए, ऐसा बिहेव कर रहे हैं, बट घर में किसी को मत बताइएगा, ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो आप देखिए उसके अंदर कुछ ना चेंजेस होंगे जरूर। क्या वो सामने से आकर आपको मनाने की कोशिश करती है, समझाने की कोशिश करती है, क्या इस चीज को बोलती है कि यार ठीक है जो था वो था, लेकिन आज मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, जो भी था मैं उसे भूलना चाहती हूँ। अगर इस तरह की चीजें उसकी तरफ से आती हैं, तो ठीक है, आप भी कोशिश कीजिए कि उस पास्ट को खत्म करें, लेकिन इस चीज को क्लियरली बोल दें कि तुम किसे भी प्यार करती थी,
ठीक है, लेकिन अब शादी के बाद, क्योंकि आप अब मेरी वाइफ हो, मैं नहीं झेल सकता कभी भी कि आप किसी और से बात करो। मिलना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारा बात करना भी मैं नहीं झेल पाऊंगा। इस चीज को आप क्लियर कर दें, क्लियर बोल दें एकदम कि नहीं झेलोगे, आप निकाल दोगे घर के बाहर। दूसरा, इन केस ऐसा होता है कि आप तो नाराज हैं बट लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी चीज पर अडिग है कि भाई मैं प्यार करती ही नहीं हूँ, मुझे तो रहना ही नहीं है, तो मैं कहूंगी ये वो पॉइंट है जहां पर आप एक बार कुछ दिनों बाद उससे खुलकर डिस्कस करें कि बताओ करना क्या है, तुम मुझे प्यार नहीं करती और मैं ऐसे रह नहीं सकता, आप बताओ करना क्या है, फैमिली को बताना है या फिर तुम खुद छोड़ोगी या फिर मैं कोई बहाने से तुम्हें निकालू, डिसीजन पूछिए उसका, वो क्या चाहती है। अगर वो कहती है कि नहीं मैं प्यार तो नहीं करती तुम्हें लेकिन घर नहीं छोड़ूंगी, तो मैं कहूंगी अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करो इस चीज में। बट अगर ये बोलती है कि नहीं मैं खुद इस रिश्ते को छोड़ना चाहती हूँ, तो दोनों फैमिलीज को बैठाइए, आप दोनों बैठिए, डिस्कस कीजिए करना क्या है, उस रिश्ते को वहां खत्म कर दीजिए। बट अगर वो ये बोलती है कि नहीं मैं एक चांस इस रिश्ते को देना चाहती हूँ, जो भी था मेरा पास्ट था वो पास्ट अब मेरे प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं आएगा, वो एक्सेप्ट करती है इन चीजों को और रहना चाहती है, तो फिर एक चांस जरूर दे। देखिए जल्दबाजी में रिश्ता तोड़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अभी रिश्ता तोड़ देते हैं, हफ्ते भर में 15 दिन में डिवोर्स ले लेते हैं, तो भी आप डिवोर्सी ही कहलाएंगे, और अगर आप डिवोर्स एक साल बाद लेते हैं तब भी आप डिवोर्सी कहलाएंगे। डिवोर्सी डिवोर्सी होता है, कितने दिन शादी चली और कितने महीने चली, कितने साल चली, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो जल्दबाजी में आप ये ना सोचिए कि आज ही डिवोर्स दे दूं, कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में कि जो रिश्ता ठीक होने वाला है वो खराब हो जाए। ये भी तो हो सकता है ना कि उसने सिर्फ गुस्से में आपसे बोल ही दिया हो, ऐसा कुछ है नहीं। शादी में मैनी टाइम बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से एक लड़की को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तो हो सकता है उस गुस्से में आपको हर्ट करने के लिए उसने बोल दिया हो कि वो आपको प्यार नहीं करती। ये भी तो हो सकता है, कुछ होती हैं बेवकूफ सी लड़कियां ऐसा काम करती हैं, तो उस बेवकूफी के चक्कर में अपना रिश्ता खराब ना करें। एक मौका जरूर दे उस इंसान को, अपने आप को, वो रिश्ता चलाने के लिए। मजबूरी में नहीं, मजबूरी में शादियां नहीं चलती, सिर्फ नॉर्मल एक मौका दे ये सोच के कि शादी तो हो ही चुकी है, मैं आज डिवोर्स दूं या फिर 15 दिनों बाद या फिर एक साल बाद, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सोचकर थोड़ा सा एफर्ट और दीजिए उस इंसान को जानने में, उसको समझने में, उसकी साइकोलॉजी समझने में कि जो वो बोल रहा है वो सच है, झूठ है, गुस्सा है, वो आपके साथ रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता है, रिश्ता चलाना चाहता है या खत्म करना चाहता है। एक बार अच्छे से क्लियर हो जाने दीजिए। 10-15 दिन रहकर, 1-2 महीना रहने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ये लड़की मुझे प्यार ही नहीं करती है, इसका कोई इंटरेस्ट है ही नहीं मुझमें, ये बस जबरदस्ती मेरे गले बांध दी गई है और मेरा भी अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, ये शादी नहीं चलेगी, तो मैं कहूंगी कि हाँ ठीक है, उसे अपने घर भेजिए, सबके साथ बात करके और रिश्ते को खत्म कर दीजिए। बट अगर चांसेस लग रहे हैं रिश्ता चलने के, चलाने के, तो चला लीजिए, खुशी खुशी चल पाए तो ही, मजबूरी में नहीं। मजबूरी में कोई मतलब नहीं बनता रिश्ता चलाने का, जिसमें आप खुश ना हो वो खुश ना हो। मैं कोशिश करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि देखिए, हो सकता है इस लड़की ने आपसे खुल्लम खुल्ला बोल दिया कि आई लव समवन एल्स, ये भी तो हो सकता है इसको छोड़ने के बाद आप किसी और से शादी करें, वो भी किसी और को प्यार करती हो, फर्क बस इतना होगा कि इसने बता दिया वो बताएगी नहीं, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं होने वाला। तो आप ये सोचे कि दूसरी शादी मैं कर लूंगा इससे बेटर, तो उसमें भी ये सब चीजें हो सकती है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि भाई आंखों देखी मक्खी नहीं निकली जाती, वो बताएगी नहीं तो मैं रह लूंगा, ये तो बता चुकी है। आई नो ये फर्क है कि ये बता चुकी है, अब आपको पता चल गया है रहना मुश्किल है, बट इसके साथ में ये भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि अब शादी भी हो ही चुकी है, अगर ये शादी से एक दिन पहले भी आपको पता चलता ना, तो मैं कहूंगी रिश्ता छोड़ना था, फिर शादी की फिक्र नहीं कर लेती। बट जब शादी हो ही चुकी है तो अब एक बार समझना और समझाना जरूरी है,
सुनते ही रिश्ता खत्म कर देना सही नहीं है, एक मौका जरूर दीजिए। अगर आपको लगता है 1.5 साल में कि चीजें बदल गई हैं, आप दोनों में प्यार मोहब्बत हो गया है, तो क्या दिक्कत है? हो सकता है उसकी एज ज्यादा ना हो जो आपकी वाइफ है, बच्ची हो, मैच्योरिटी ना हो, बचपने में कह दिया हो, किसी लड़के को सिर्फ 1-2 महीने से जानती हो, उसी को प्यार समझ के आपसे बोल दिया हो, किसी के भड़काने पे बोल दिया हो, किसी गुस्से में बोल दिया हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो पहले कुछ टाइम देकर इन सब चीजों को अच्छे से सोच समझ ली, फिर डिसीजन ले करना क्या है अकॉर्डिंग टू योर वाइफ, कि उसका बिहेवियर कैसा है। होप मैं चीजों को क्लियर कर पाई होंगी। इसके बावजूद अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जिसके रिगार्डिंग हम उससे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाउ मुझे विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।